नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है और उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है ट्रेडिंग में, ये सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। जब भी मैं अपने वीडियोज अपलोड करता हूँ तो आप देखते होंगे उसमें मैं यूज करता हूँ शब्द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, हमेशा यूज करता हूँ और हर एक ट्रेडर यूज करता है। तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या होता है दोस्तों, तो सिंपल मैं आपको बताना चाहूंगा। इसको आरआर रेशियो भी बोला जाता है। आर मतलब आर, और ये भी आर का जो मीनिंग होता है इसका रिवॉर्ड रेशियो हो जाता है। तो सिंपल फॉर्मूला है कि रिस्क को अगर आप रिवॉर्ड से डिवाइड करोगे तो आपका एक रेशियो निकल के आता है, उसको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बोला जाता है दोस्तों। तो ये फॉर्मूला है उसका, रिस्क डिवाइड बाय रिवॉर्ड रेशियो। तो जो भी नए ट्रेडर्स होते हैं या जो भी बिगिनिंग करते हैं ट्रेडिंग की, तो हमेशा उनके दिमाग में एक ही बात चलती रहती है कि मैं ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमाऊं, कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसके ऊपर मैं हर रोज प्रॉफिट कमा सकता हूं। तो मैं एक चीज आपको जेन्युइनली बताना चाहता हूं कि मार्केट में अभी तक ऐसा कोई भी फॉर्मूला बना नहीं है या कोई भी ऐसा अब तक इंडिकेटर बना नहीं है जिसमें आप हर रोज 100% मुनाफा कमा सकते हो, ऐसी कोई भी चीज नहीं दोस्तों। तो मैं बताना चाहूंगा कि कुछ रूल्स होते हैं जो ट्रेडर अपने आप बनाते हैं या किसी से सीखते हैं। तो आपको वो रूल सबसे पहले आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन से रूल आपके ऊपर, आपको उसके ऊपर काम करना है, कौन से रूल के साथ आपको स्टिक रहना है। ये सारी चीजों के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करना है, उसके ऊपर कैसे स्टिक रहना है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी ऐसा फॉर्मूला बना नहीं आज तक मार्केट में कि आप उसमें हर रोज प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में जनरली क्या होता है, आपका एक रिस्क रहता है जिसके ऊपर आपको रिवॉर्ड लेना पड़ता है। मतलब सिंपल भाषा में बोला जाए कि आपको एक ही चीज पता है, प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो उसी को ये टेक्निकल टर्म में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बोला जाता है, जिसको आरआर रेशियो भी बोला जाता है। ज़ीरोधा ने एक फीचर लॉन्च किया है जिसमें आप ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट कैलकुलेट कर सकते हो। आपको देख सकते हो स्क्रीन पे मैं चार्ट लगा के रखा हूं कोटक बैंक में, हम उसमें दोनों भी एग्जांपल देंगे, शॉर्ट साइड और लॉन्ग साइड। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे जाना है आपको, इसमें लॉन्ग पोजीशन लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक करना है। जो भी आपका एंट्री पॉइंट होगा वहां पे आपको जाके क्लिक करना है। मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे एंट्री ली है, तो देख सकते हो बाय डिफॉल्ट 1:1 आ जाता है, लेकिन ये नीचे का जो टर्म है ये आपका स्टॉप लॉस है। मतलब स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए या आपको ड्रैग करके एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे रिस्क ले रहा हूँ 13 पॉइंट, ये देख सकते हो स्टॉप, ये स्टॉप का मतलब स्टॉप लॉस है, आप समझ सकते हो। उसके आगे ये जो नंबर है आप उसको राउंड नंबर ले सकते हो, 13.11 है, मतलब 13 लेना है आपको, 13.50 से मोर है तो 14 लेना है। तो 13-14 पॉइंट की रिस्क है यहाँ पे। उसके अगेंस्ट देख सकते हो मैं टारगेट भी अगर सेट करता हूँ 13 रुपीज का, तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1 कैलकुलेट होके आ गया, ये देख सकते हो यहाँ पे। तो मैं जो बात करता हूँ हमेशा इंट्राडे ट्रेडिंग में, आपको जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना है वो होता है 1:1, ठीक है। अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1 भी है तब भी आप एट द एंड ऑफ मार्केट में, एट द एंड ऑफ मंथ प्रॉफिटेबल रह सकते हो। तो ये हो गया लॉन्ग साइड का, ठीक है। आप इसको और भी ड्रैग कर सकते हो, मान लेते हैं कि किसी ने ये कोटक बैंक में 13 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के उसने टारगेट 26 रुपीज का ले लिया, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो 26 रुपीज का। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना बना, 1:2, मतलब 13 रुपीज के रिस्क के ऊपर रिवॉर्ड लिया 26 रुपीज का। तो मैं कभी ये आपको बोलूंगा नहीं कि आपको 1:1 ही फॉलो करना है, बाय चांस आपको अगर कभी 1:2 मिलता है तो आप उसको भी ग्रैब, वो पोजीशन मतलब वो अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कर सकते हो, लेकिन हमेशा इंट्राडे में 1:1 को ही आपको प्रेफर करना चाहिए एट द एंड ऑफ, मतलब आप जब बिगिनिंग करते हो, जब शुरुआत करते हो शुरुआती के ट्रेडिंग दिनों में। तो ये हो गया लॉन्ग साइड। तो इसके नीचे है शॉर्ट पोजीशन। आप शॉर्ट पोजीशन में जाने के बाद, क्लिक करने के बाद, जिस भी पॉइंट पे आपने अपना शॉर्ट साइड ट्रेड लिया है वहां पे जाके क्लिक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सेम प्रोसीजर है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, देख सकते हो यहाँ पे जैसे ड्रैग करोगे स्टॉप लॉस का नंबर ऊपर नीचे हो रहा है, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे अभी 12 है, मैं इसको नीचे करता हूँ 10 आ गया, ठीक है, 9.95 मतलब 10। तो ये आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट कैलकुलेट करके आ जाएगा। तो इसको बोला जाता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो दोस्तों। आगे से आप कभी भी ट्रेड करो तो इस फीचर का आप इस्तेमाल कर सकते हो, जिसके बाद आपको आपको पता चलेगा कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना है, आपको कितना प्रॉफिट मिलता है, इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि एट द एंड ऑफ मंथ आप कितना पैसा कमाते हो।
लेकिन इसमें और एक चीज है ट्रेलिंग एसएल करके, तो आने वाले टाइम में हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। दिक्कत यही होती है कि दोस्तों शुरुआती के दिन में हर कोई सीखना नहीं चाहता है, सबको क्विक में प्रॉफिट चाहिए होता है, लेकिन ऐसा मार्केट में होता नहीं है। हर चीज को टाइम देना पड़ता है, एक्सपीरियंस के साथ साथ आपका प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। शुरुआती के दिनों में आप जब सीख रहे हो तो छोटे क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए। आने वाले टाइम में हम ट्रेलिंग एसएल क्या होता है, उसको कैसे मॉडिफाई करना है, उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, वहां पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। बाजू में जो बेल आइकॉन आता है उसको भी प्रेस कर सकते हो, इससे आपके हमारे तरफ से जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। और टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं और डेली बेसिस पे प्री कॉल हम प्रोवाइड करते रहते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।